सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 19 है, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 19 जो कि 11th केमिस्ट्री का है। तो बाय द वे फ्रेंड्स मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि मैं यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट करता हूँ, लाइक 11th 12th के सारे प्रैक्टिकल्स। आप उसको ईजिली प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे प्रैक्टिकल के आंसर्स भी एज इट इज़ आप सेम लिख सकते हैं और आप अपने बोर्ड में भी यही लिख सकते हैं। क्लियर, ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए सिर्फ प्रिपेयर करता हूँ और ये बहुत ही अच्छे से किए हुए और सारे के सारे आंसर एकदम एक्यूरेट है। सो आप चाहिए तो इस सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ वो 11th का है और 11th का जो एक्सपेरिमेंट नंबर है वो 19। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें प्योर कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करना होता है बाय इम्प्योर सॉल्यूशन, मतलब हमें कुछ इम्प्योर सॉल्यूशन होते हैं कॉपर सल्फेट के जिससे हम प्योर सॉल्यूशन क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे कॉपर सल्फेट को जैसे हम डिजोल्व करेंगे हीट करेंगे ना तो एक प्योर क्रिस्टल जनरेट होता है और उसी को हमें दिखाना रहता है। सो चलो मैं क्या करता हूँ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का सैंपल है जिसको मुझे प्योर करना है। तो बेसिकली हमें 5 ग्राम इसको क्या करना है मेजर करना है। पहला हमारा स्टेप वही है कि हमें कॉपर सल्फेट को क्या करना है 5 ग्राम मेजर करना है। इसको मैं टेयर कर दूंगा क्योंकि इसका वेट दिखा रहा है। अभी मैं क्या करूंगा 5 ग्राम कॉपर सल्फेट निकाल लूंगा। तो ये 5 ग्राम मैंने कॉपर सल्फेट निकाल लिया यहाँ पे। अब इस दूसरे पॉइंट में क्या करना है आपको, डिजोल्व एट हाई टेम्परेचर इन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसको आपको क्या करना है कि वाटर में बेसिकली डिजोल्व करना है जितना इसमें वाटर ऐड किया जा सके। तो मैं थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करूंगा और इसको थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा डिजोल्व करूंगा। क्लियर, तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करता हूँ, इसको डिजोल्व करता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, और अभी मैं इसमें वापस से वाटर ऐड करने वाला हूँ और वापस से इसको क्या करूँगा यहाँ पे डिजोल्व करूँगा। सो आपको इसमें इतना ही वाटर ऐड करना है जितने में ये पूरा क्या हो जाए डिजोल्व हो जाए। क्लियर, आप इसको बीकर में भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाइना डिश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हीटिंग के लिए थोड़ा चाइना डिश ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको डिजोल्व करते टाइम ना बीकर में ही डिजोल्व करिए। क्लियर, क्योंकि ये आपके हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से गिर जाएं पड़ जाएं, इसलिए आप इसको बीकर में ही ज़्यादातर क्या करिए यूज़ कीजिए। फाइनली मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एज मच एज वाटर में डिजोल्व कर लिया। अभी इसको आपको हीट करना है, पूरा का पूरा ये डिजोल्व हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। इसके बाद इसका ना 1/3 पार्ट आप इवोपरेट कीजिए हीटिंग में और उसके बाद जो भी बचता है उसको फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने के बाद उसको थोड़ा टाइम कूल कीजिए। कूल करने के बाद क्या होगा कि इसमें प्योर क्रिस्टल जनरेट होगा। क्लियर, आप देखेंगे कि उस प्योर क्रिस्टल का हमें क्या करना रहता है, ड्राई करना रहता है बेसिकली। सो हम वो करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा बर्नर ऑन करूंगा और ये होता है ट्राइपॉड स्टैंड और ये क्ले होता है, आप क्ले पे डायरेक्ट इसको हीटिंग दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी ये जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसको डायरेक्ट हीटिंग दूंगा, थोड़ा सा हीट करूंगा। क्यों थोड़ा सा हीट करूंगा, क्योंकि इसमें डिजोल्व इम्प्यूरिटीज़ होती है जो इस लिक्विड में आ जाएंगी और इस लिक्विड में आने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा फिल्टर करूंगा। फिल्टर करने से ये होगा कि इसमें जो भी डिजोल्व इम्प्यूरिटीज़ रहेंगी ना वो इजिली निकल जाएंगी। बहुत ही अच्छा कॉपर सल्फेट का आपको सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे। इसके लिए मैं फिल्ट्रेट का सब सब्सटेंस लगा देता हूँ। यहाँ पे आप फिल्टर पेपर देख रहे हैं, बेसिकली इसको ऐसे मोड़ना रहता है, ऐसे मोड़ना रहता है। क्लियर, और आपको क्या करना रहता है इसको इस पर ऐसे स्टिक करना रहता है, ऐसे करके। क्लियर, ऐसे करके आपको लगाना है, इसको यहाँ पे रखना है और जैसे ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा मैं इसको क्या करूँगा फ़िल्टर करूँगा। फाइनली ये थोड़ा सा हीट हो चुका है तो अभी मुझे क्या करना है इसको फ़िल्टर करना है। क्या करना है फ़िल्टर, ताकि इसमें जो भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी ना फ्रेंड्स ये इस फिल्टर पेपर में आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप फिल्टर करने के बाद कितना अच्छा कलर आ रहा है। यहाँ पे ये फिल्टर हो चुका है फ्रेंड्स। सो अभी मुझे क्या करना है, जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन जो यहाँ पे आया है को क्या करना है इसमें ऐड करना है और फ्रेंड जब तक इसका 1/3 पार्ट इवोपरेट ना हो जाए तब तक आपको इसको हीटिंग करना है। क्लियर, तो मैं इसको डायरेक्ट क्ले पे रख के हीटिंग कर रहा हूँ कि इसका 1/3 पार्ट क्या हो जाए इवोपरेट हो जाए। फिलहाल ये यहाँ पे है तो इसका 1/3 पार्ट अभी हम क्या करेंगे इवोपरेट करेंगे। ये बॉईल होना शुरू हो चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग। बेसिकली हम इसको तब तक बॉईल होने देंगे जब तक इसका 1/3 पार्ट क्या हो जाए पूरा इवोपरेट हो जाए। आप ये देख रहेंगे यहाँ पे पूरा बॉइलिंग क्या है इसका स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, आप ये बॉइलिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या करना है कि मुझे एक फिल्ट्रेट तैयार रखना है और उसी में क्या करना है इसको फिल्टर करना है। क्लियर, आपको बिल्कुल ऐसे अरेंज करना है और आपको यहाँ पे फिल्टर पेपर लेना है, इसको ऐसे मोड़ देना है यहाँ पे और फिल्ट्रेट आपको बिल्कुल रेडी रखना है क्योंकि जैसे ये आएगा मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे फिल्टर करूँगा। मैं देखता हूँ ये हो चुका है क्या 1/3 पार्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1/3 पार्ट इवोपरेट हो जाए तो आपको निकाल लेना है इसको। तो आपको ये दिख रहा होगा अभी बहुत सारा इसमें है, 1/3 पार्ट तो नहीं हुआ है तो थोड़ा और हम हीटिंग होने देंगे। देख सकते हैं ये 1/3 पार्ट यहाँ पे इवोपरेट हो चुका है, बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड यहाँ पे रह गया। अगर आपका 1/3 पार्ट इवोपरेट हो जाए
तो आप इसको क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। और फिल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सूखने के लिए रख देना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। पूरा फिल्टर हो चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा और इसमें क्रिस्टल क्या होगा, फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जल्दी कूल होने दूंगा, मैं इसको इसमें रख देता हूँ ताकि इसका जो कूलिंग है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। फिर पानी में रख दे रहा हूँ, ये फटाफट कूल हो जाए। आपको इसको नेचुरली भी कूल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसको क्या करूँगा, इसको फिल्टर करूँगा वापस से, यहाँ पे मैं इसको सेटअप लगा लूँगा, क्लियर। अब मैं इसको वापस अच्छे से क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा ये निकाल लूँगा, क्लियर। और ग्लास रॉड की हेल्प से भी आप इसको पूरा निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, क्लियर फ्रेंड। अब ग्लास रॉड की मदद से क्या करते हैं, इसको पूरा निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे पूरा निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको पूरा ही निकालना है, क्लियर। आपको अगर चाहिए तो आप इसको हाथ से प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, पूरा लिक्विड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्रिस्टल दिखा देता हूँ। सो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल यहाँ पे जनरेट हुआ है, यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल दिख रहा होगा। इतने सारे क्रिस्टल मेरे आए, प्योर क्रिस्टल होते हैं ये लगभग पूरे प्योर होते हैं, क्लियर। ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। अगर आपको इसको ड्राई करना तो मैं ड्राइंग करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपको ये रखना है, अब मैं आपको ड्राइंग का तरीका बता रहा हूँ, आपको ड्राइंग का तरीका बता रहा हूँ। आपको ये रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखना है, ये रखना है ताकि वायर गॉज से जो सब्सटेंस हीट होता है वो नीचे आके फिर आपको जो कॉपर सल्फेट जो आपने प्रिपेयर करा है उसको यहाँ पे रखना है। इसको अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, ड्राइंग करना है, क्लियर। ये इसके हीट्स के हेल्प से ना यहाँ पे हीट लड़ता है और हीट नीचे आता है, इसके हेल्प से ये क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो सकता है, क्लियर। आप ये हीटिंग, ये आप ड्राइंग का प्रोसेस देख सकते हैं, आपको अपने कॉलेज में ऐसे ही ड्राई करना होता है, क्लियर। हीटिंग वायर गॉज, ये एस्बेस्टस शीट्स, ये रखना है, इसके ऊपर कॉपर सल्फेट का ये जो आपने प्रिपेयर करा है वो रखना है। कुछ टाइम बाद ये, फिलहाल ये ड्राई हो चुका है मेरा, आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही फाइन और प्योर क्रिस्टल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये ड्राई हो चुका है, चमकी दिख रहा है, ये क्रिस्टल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि मैंने प्योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपको बना के दिखा दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्लियर। सो मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री तड़का करके, फ्रेंड्स आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो क्या कर सकूँ, शूट कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।